ओपीडी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक लंग डिसऑर्डर है दैट मेक्स इट रियली हार्ड टू ब्रीद, जहाँ द फर्स्ट सिम्टम्स कैन बी सो माइल्ड दैट पीपल मिस्टेकनली मिसअंडरस्टैंड देम टू गेटिंग ओल्ड। अक्सर लोग एस्थमा और COPD को एक ही बीमारी समझते हैं क्योंकि इन दोनों के सिम्टम्स और लक्षण एक ही जैसे होते हैं। इन दोनों समस्याओं में कॉमन लक्षण जैसे खांसी, कफ और सांस लेने में दिक्कत शामिल होता है। लेकिन यस प्लीज नोट कि ये दोनों एक ही रोग नहीं होते हैं और एक दूसरे से बहुत बहुत अलग होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं DNP हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि पीपल विद COPD में डेवलप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा और बोथ, वे COPD टेंड्स टू गेट वर्स, जी हाँ वर्स ओवर टाइम, बट कैचिंग इट अर्ली अलॉन्ग विद गुड केयर कैन हेल्प मेनी पीपल स्टे एक्टिव एंड मे स्लो द डिजीज। जहाँ COPD दुनिया भर में बड़ी ही तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी हो गया है। सो आज के सेगमेंट में, आज के हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट में इसके बारे में जानते हैं एंड ऑल्सो नो अबाउट द अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स एंड ऑल्सो द प्रिवेंशन एज वेल। सो लेट्स जंप इन। सो पहले तो क्या है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़? सो COPD फेफड़ों का एक ऐसा रोग है जिसमें मरीज सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। जहाँ सामान्य तौर पर फेफड़े बहुत स्पॉन्जी होते हैं, जी हाँ टू स्पॉन्जी, पर जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन COPD रोग इस प्रक्रिया को रोकता है, एक हर्डल की तरह साबित होता है और COPD के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है जैसे मैंने आपको बताया, और ऑक्सीजन उसके शरीर में पूरी मात्रा में नहीं पहुँच पाती है। वहीं अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लेट मी टेल यू कि COPD रोग में मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है एंड आई थिंक दैट्स एन ऑब्वियस वन, क्योंकि मैं ये बार बार इसको रिपीट भी कर रही हूँ। वहीं गहरी सांस लेना, सांस लेने के लिए अपनी मसल्स जैसे चेस्ट मसल्स और नेक का प्रयोग करना, कफ, खांसी, जुखाम, सीने में जकड़न, वजन कम होना, जी हाँ वेट लॉस, हार्ट की समस्या, फेफड़ों का कैंसर आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। वहीं ये लक्षण लंबे समय तक चलते हैं और समय के साथ साथ मरीज की हालत भी बिगड़ने लगती है। वहीं अगर हम थोड़े एडवांस सिम्टम्स ऑफ COPD की बात करें तो उसमें इंक्लूड होता है नंबर वन स्वॉलन लेग्स और फीट फ्रॉम फ्लूइड बिल्डअप, दूसरा वेट लॉस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो कॉमन में भी आता है और एडवांस में भी, तीसरा लेस मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, चौथा अ हेडेक इन द मॉर्निंग एंड लास्टली ब्लू और ग्रे नेल्स और फिंगर नेल्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल्स। वही ये तो हमने बात की सिम्टम्स के बारे में, एडवांस सिम्टम्स के बारे में, बट COPD आखिर होता क्यों है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ COPD। सो लेट मी टेल यू कि ये रोग का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। जहाँ रोज सड़कों पर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उससे निकलने वाली जहरीली गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, जहाँ गाँव या कस्बों में लकड़ी और उपलों को चूल्हा जला कर खाना पकाया जाता है, और लेट मी टेल यू कि ये धुआं भी उतना ही हानिकारक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी, डस्ट सांस के साथ शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने की लत भी इस रोग को और बढ़ा सकती है, और कई लोग जो चेन स्मोकर होते हैं, बीड़ी या हुक्का पीते हैं, उन्हें भी COPD होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सभी COPD होने के कारणों में शामिल होता है। सो लेट मी टेल यू कि COPD बीमारी पहले सबसे ज्यादा 40 वर्ष उससे अधिक उम्र के लोगों में होता था, पर अब इसका असर कम उम्र के बच्चों और युवाओं में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, इसमें 2 साल यानी 2 ईयर्स या उससे बड़े बच्चे भी शामिल हैं। जो छोटे छोटे बच्चे इस प्रदूषण को अक्सर नहीं झेल पाते हैं, इसलिए भी बहुत ही कम उम्र में उन्हें सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है एंड दैट्स एक्चुअली अ वार्निंग साइन एंड सिग्नल, राइट? सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, देन डू नॉट हेसिटेट एंड यू कैन गिव योर इनसाइट्स और क्वेश्चंस एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग DNP हेल्थ।